डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि प्रयुक्त मनोविज्ञान के लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही हम देख सकते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब प्रयुक्त मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान की जो थ्योरीज हैं, मनोविज्ञान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ यूज होता है, इसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर किसी सब्जेक्ट का एक अप्लाइड एरिया होता है, जैसे अप्लाइड बायोलॉजी होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, अप्लाइड फिजिक्स हम कह सकते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अप्लाइड एरिया होते हैं। थ्योरीज तो है, उनका यूज़ क्या है हमारे जीवन में। तो साइकोलॉजी की जो थ्योरी है उनका प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ होता है उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। इस लेक्चर में पहले तो हमें एक जनरली जानेंगे कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को किसने कॉइन किया था, और उसके बाद हम जानेंगे कि लेक्चर सीरीज जो होंगी फॉलोड बाय द 5 लेक्चर्स आफ्टर दिस लेक्चर, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, जो 5 सेक्शंस में बटा है। तो वो 5 सेक्शन क्या होंगे, उनके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इसको किसने कॉइन किया था। तो अप्लाइड साइकोलॉजी जो होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी इज द यूज ऑफ साइकोलॉजी मेथड्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। जैसा कि हमने पहले कहा कि अप्लाइड साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल मेथड्स को और साइकोलॉजी की जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स होती है, साइंटिफिक जो हम स्टडी करते हैं, जो उससे हमें प्राप्त होता है, उसका यूज होता है कहाँ होता है, लोगों की, हमारे बिहेवियर की, मानवों के बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी सॉल्व करे साइकोलॉजी के मेथड्स, उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब व्यवहारिक, कहाँ पर प्रयुक्त है, कहाँ हमारे जीवन में इसका प्रयोग है, तो उसको प्रयुक्त मनोविज्ञान कहते हैं। और जैसे कि इसके फील्ड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें हम रोगों के असेसमेंट करते हैं, रोगों का उसका ट्रीटमेंट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी है, काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे गाइडेंस होता है, कैसे कैरियर काउंसलिंग है, कैसे मेडिकल काउंसलिंग है, क्लिनिकल काउंसलिंग है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, कैसे पर्सनल सेलेक्शन में यूज होता है, कैसे लोगों के स्ट्रेस मैनेजमेंट में यूज होता है, ये सब चीज़ें हम ओबी के अंदर पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो लीगल और फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, कैसे आई विटनेस टेस्टिंग का हम स्टडी करते हैं, कैसे और भी लीगल चीज़ें जो है उसमें साइकोलॉजिकल कैसी बातें होती हैं, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, ये सब चीज़ें हम फॉरेंसिक लीगल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सोशल साइकोलॉजी है, सोसाइटी में कहाँ यूज है, कैसे ग्रुप का इम्पैक्ट होता है, लीडरशिप क्या होती है, भीड़ क्या होती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम जानते हैं, पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, टीम वर्क क्या होता है, टीम कोहेजन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें जानते हैं। और कम्युनिटी साइकोलॉजी है, कम्युनिटीज़ की कैसी, कलेक्टिवली हम कैसे कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, कैसे हमारी साइकोलॉजी जुड़ी रहती है, क्या रोल प्ले कर सकता है कम्युनिटी, तो ये सब चीज़ें हमें अप्लाइड साइकोलॉजी की जो ये फील्ड्स हैं इसके अंदर हम पढ़ते हैं। और अप्लाइड साइकोलॉजी प्रयुक्त तो मनोविज्ञान है, उसके संस्थापक ह्यूगो मुस्टंगबर्ग थे, उन्हें जर्मनी से अमेरिका विलियम जेम द्वारा बुलाया गया था। बर्लिन ईस्टर्न की प्रयोगशाला में वो थे, वहाँ कार्यरत थे, और उन्हें विलियम जेम्स से, अमेरिका के वैज्ञानिक, उन्होंने उन्हें बुलाया वहाँ कार्य करने के लिए, उनके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। तो मूल रूप से जैसे कि अन्य मनोवैज्ञानिक थे, अन्य मनोवैज्ञानिक पूर्व रूप में रहे, तो दर्शन शास्त्र के ही महत्वाकांक्षी रहे ये लोग, तो वहीं से उनके मनोविज्ञान के क्षेत्र में इंटरेस्ट थे। जैसे कि प्रयोजन मूलक मनोविज्ञान था, सामाजिक मनोविज्ञान था, और फॉरेंसिक मनोविज्ञान इनके क्षेत्र में इनके काम थे। 1907 में उन्होंने टेस्टिमनी में, जैसे कि हमने कहा कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हम जानते हैं कि आई विटनेस टेस्टिमनी, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य होते हैं, उनकी मेमोरी का कितना इम्पैक्ट है, कितना रिलायबल है, कितना नहीं है, ये सब हम इसमें जानते हैं। कन्फेशंस है, कोर्टरूम प्रोसीजर में कैसे साइकोलॉजिकल
अच्छा, और इसको यूज होता है, ये सब चीज़ें हमें इनके इसके अंदर इन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली ऑन द विटनेस स्टैंड। जो साक्ष्य होते हैं, गवाह जो होते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं, उनके विषय में इनका स्टडी था। तो अगले वर्ष डिवीजन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी को हार्वर्ड साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में ज्वाइन किया गया। इसी तरीके से अप्लाइड साइकोलॉजी को साइकोलॉजी लेबोरेटरी में ज्वाइन किया गया, जोड़ा गया अप्लाइड सब्जेक्ट को, क्योंकि इसकी ऐसी डिमांड को देखते हुए। तो ये भी साइकोलॉजी की शुरुआत के साथ साथ अप्लाइड फील्ड भी चला आता है, इसमें भी विद्वानों के कार्य हमें देखने सुनने को मिलते हैं। और अमेरिका में अधिकांश पेशेवर मनोवैज्ञानिक द्वितीय विश्व युद्ध तक शैक्षणिक सेटिंग में काम करते थे, लेकिन युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों और सामरिक सेवाओं के कार्यालय ने सेना के मनोबल और प्रचार डिजाइन जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को काम पर रखा। तो यह है कि मिलिट्री साइकोलॉजी में भी इसका यूज था, कैसे युद्ध का मनोबल हो, सेना का मनोबल बढ़े, और कैसे हम जान सकें कौन व्यक्ति स्ट्रांग है नहीं है, या किस व्यक्ति में क्षमता है कि नहीं है, कौन व्यक्ति ग्रुप में काम कर सकता है, कौन व्यक्ति अकेला काम कर सकता है। तो सेना जो होता है ग्रुप वर्क को बिलीव करता है, तो ये सब चीज़ें अप्लाइड साइकोलॉजी के ही अंतर्गत मानी जाती हैं। जो मिलिट्री साइकोलॉजी है उसको भी अप्लाइड का ही कहीं ना कहीं फील्ड हम कह सकते हैं। युद्ध के बाद मनोवैज्ञानिक अकादमी के बाहर नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई। 1970 के बाद मनोविज्ञान में डिग्री के साथ कॉलेजों के स्नातकों की संख्या भी बढ़ती गई, तो मनोविज्ञान में लोगों की रुचियां बढ़ती गई, बल्कि अन्य विज्ञानों के 2002 में, मतलब जो अभी, क्योंकि साइकोलॉजी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है नहीं, जैसा कि हमने दूसरे लेक्चर में बात डिस्कस की है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, कि लगभग 150 साल ही पुरानी इसकी हिस्ट्री है एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो 2002 से इसकी वृद्धि बढ़ती गई है, मनोविज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ती गई इसकी डिग्री लेने में, जबकि और सोशल साइंसेस की तुलना में। और जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइकोलॉजी की, वो लागू मनोविज्ञान के विचारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों बैठकें आयोजित की है। 1990 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने एक व्यवहार विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, और स्कूलों, कार्यक्रम स्थल, उत्पादकता, ड्रग्स, हिंसा और सामुदायिक स्वास्थ्य को फैलाते हुए ह्यूमन कैपिटल इनिशिएटिव का गठन किया। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2000 से 2010 को एक समान व्यापक दायरे के साथ व्यवहार का दशक घोषित किया। जैसा कि हम जानते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन विश्व का एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एक मानद एसोसिएशन है, जो शोध के अन्य प्रकार के रिसर्च के मानक निर्धारित करता है, न केवल मनोविज्ञान में बल्कि और भी सोशल साइंसेस, बिहेवियर साइंसेस के क्षेत्र में एक मानद एसोसिएशन इसको माना जाता है। इसके रेफरेंस स्टाइल को सारे सोशल साइंसेस इसको अप्रूव करते हैं, इसको एज ए स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो इन्होंने ये 10 साल का जो दशक रहा है, 2000 से 2010 का, इसको व्यवहार का दशक घोषित किया है। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ दशक इसको घोषित किया है, क्योंकि ये सारी मनोवैज्ञानिक बातें देखने सुनने को मिली हैं इस दशक में। तो मनोवैज्ञानिक तरीकों को मानव जीवन और समाज के सभी पहलुओं पर लागू माना जाता है, इसीलिए। और रेफरेंसेस के लिए आप स्मारक स्वयं एक विद्वान है, उनकी बुक बहुत चलती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनकी बुक है, इंग्लिश की है, आप पढ़ सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं इस विषय में, जिसको बुक की आवश्यकता हो। और हिंदी के लिए अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट को विजिट करें, और विकिपीडिया जैसा है कि एक इंटरनेट का सोर्स है बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, मैं इसको एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं कहूँगा, तो बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप विकिपीडिया है, और साइकोलॉजी के ही एक दो और वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, उनको भी आप विजिट कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लूँगा अगर किसी स्टूडेंट को जानना हो। तो जो अब बात करते हैं कि आपका ये जो पेपर है अप्लाइड साइकोलॉजी, प्रयुक्त मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, जो भी आप इसको कहें, तो ये 5 सेक्शंस में बटा है, और 5 लेक्चर इसके बाद इसमें मैं शेयर करूँगा, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे
प्रयुक्त मनोविज्ञान का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, उसमें हम बात करेंगे कि मीनिंग क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, और इसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, प्लस वो क्या क्या ऊपर उभरते हुए क्षेत्र आ रहे हैं, और सेक्शन टू में हम डिस्कस करेंगे, जो है कि सेक्शन वन को हमने एडिस बात कर ली, तो सेक्शन टू में हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन कैसे होता है, स्कूल लेवल पर स्कूल काउंसलिंग क्या होती है, कैसे ऑपरेट होती है, ये सब बातें, और मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, ये सब इसमें डिस्कस होगा। एरियाज ऑफ काउंसलिंग क्या क्या एरिया है, जैसे पर्सनल है, फैमिली है, कैरियर है, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग क्या है, डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली अप्रोच क्या होती है, ये सब हम इसके अंदर जानेंगे। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, इसका स्कोप क्या है, टाइम एंड मोशन स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब जो कॉन्सेप्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान की, वो हम इस सेक्शन के अंदर जानेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल मोरल क्या होता है, औद्योगिक मनोबल जिसको कहते हैं क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, निष्पादन मूल्यांकन जिसको कहते हैं वो क्या होता है, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सब बात है, इसको कैसे मूल्यांकन करते हैं, ये सब बात इसमें हम इसके अंदर सीखेंगे पढ़ेंगे। और मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, जैसा कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टडी होता रहता है साइकोलॉजी के अंदर, तो प्रेरणा एवं कार्य संतुष्टि क्या होता है, मोनोटोनी, बोर्डम एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या है, एक रास्ता जिसको कहते हैं मोनोटोनी, बोर्डम मतलब एक रास्ता से वो एक ही जैसी स्थिति से वो होना क्या है, और औद्योगिक दुर्घटनाएं क्या है, ये सब बात इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन फोर के अंदर होगा हेल्थ साइकोलॉजी एंड इलनेस, स्वास्थ्य मनोविज्ञान और व्याधियाँ क्या होती है, तो मीनिंग एंड नेचर क्या है, पेन क्या होता है, पेन मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस से कोप कैसे करते हैं, स्ट्रेस से उबरने के क्या तरीके हैं इसका, और कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हृदय संबंधी रोग है, कैंसर है, HIV है, ये सब बातें, क्या कारण है, क्या इसके निवारण है, क्या निदान है, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। और द लास्ट सेक्शन इज ऑन द फाइनल सेक्शन, द लास्ट सेक्शन इज पॉजिटिव साइकोलॉजी, विच इज सकारात्मक मनोविज्ञान। पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्या अर्थ है, एरिया क्या है, रोल क्या है, इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, मनी एंड हैप्पीनेस एंड वैल्यू, धन का और हैप्पीनेस का क्या संबंध है, वेलबींग क्या होता है, आशावाद, ऑप्टिमिज्म क्या है, एम्पैथी क्या है, सहानुभूति जिसको कहते हैं, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, आभार और क्षमा क्या है, ये सब पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव साइकोलॉजी डियर स्टूडेंट्स एक काफ़ी उभरता हुआ और काफ़ी बहुत साइकोलॉजी का काफ़ी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्टडी किया जाने वाला सब्जेक्ट है, और काफ़ी इज्जत है इस एरिया की जो नया उभरता हुआ, क्योंकि जो साइकोलॉजी था पुरानी उसमें लीक से हटके जब हम डिजीज पढ़ते थे, वो सब बातें सीखते थे, पढ़ते थे कि डिजीजेज क्या हैं, मनोरोग, ये सब इसे नेगेटिविटी को उसको मानते हुए उससे एक विपरीत है, मनोविज्ञान में एक विद्वानों का वर्ग आया जिसने ये कहा कि क्यों हमें क्यों ना भाई हम इस पॉजिटिविटी की भी बात करें साइकोलॉजी में, नकारात्मकता ही क्यों क्यों बात आ रही है, क्योंकि साइकोलॉजी है, हम ह्यूमन बिहेवियर मेंटल प्रोसेस को पढ़ते हैं, भावनाओं को पढ़ते समझते हैं, तो मानी भावना तो सकारात्मक भी होती है, इसलिए तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट उभर गया है साइकोलॉजी में, जिसको सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, तो काफ़ी उभरता हुआ क्षेत्र है, और इसको बहुत हम रुचि से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जिन बच्चों को रुचि हो फ्यूचर में ये साइकोलॉजी के ही फील्ड में कुछ आगे बढ़ना है, करना है, रिसर्च करना है, या प्रोफेशनल लाइफ में उसमें जाना है, तो ये सब बातें हमने अप्लाइड साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है, कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज का क्या यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में, मानव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ये सब बातें हम अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जानते हैं।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि हमने बात कर ली। और इसी तरह की नॉलेजेबल लेक्चर शेयर के लिए, नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।